अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज संडे का दिन है और आज हम लोग जाएंगे फुरका खान बीच, नौहत्ता डैम। सुकून वाली जगह है, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है। और बस अभी जाएंगे थोड़ी देर में, अम्माद भाई के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, बस निकलते हैं थोड़ी देर में। भाई बहुत जल्दी जल्दी उठ गए आज, अभी सुबह के बज रहे हैं, अभी तो 8 बज रहे हैं और बस 9 बजे तक निकलना है घर से। तो बस ना जल्दी जल्दी बस पैकिंग वैकिंग करते हैं भाई, निकलते हैं, फुल खाना वाना रख लिया है सब कुछ। अमाद भाई के आने का वेट हो रहा है, अमाद भाई आ जाए ना तो बस यहाँ से घर से निकलते हैं। अमाद भाई आज लेकर आएंगे ASX, वो उसी गाड़ी में जाएंगे आज हम। अभी उनको नहीं पता कि उस गाड़ी में जाएंगे, वो सारे जो रोड्स हैं ना वो सारे पहाड़ वाले रोड्स हैं और मैं अपनी गाड़ी तो लेके जाऊँगा नहीं भाई उस रोडों पर। तो बस ASX को लेके जाएंगे, वो बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, उसको भी टेस्ट ड्राइव करते हैं बड़े लॉन्ग रूट पे। तो जी मैं हत्ता की तरफ आया हूँ अभी नई गाड़ी में, इसकी फर्स्ट राइड हत्ता की हुई है हमारी। माशाल्लाह बहुत मस्त गाड़ी है, मज़ा आया इसके अंदर यहाँ तक पहुँचने के लिए, बड़ा ज़बरदस्त लगता है इस गाड़ी के अंदर। अच्छा अभी हम लोग आ रहे हैं हत्ता डैम की तरफ और रास्ता ऐसा खूबसूरत था, ये पहाड़ आई वाह, ऐसे ज़बरदस्त प्यारे पहाड़ थे ये, बादल देखो यार, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं फुल, मतलब हरियाली वगैरह हुई हुई। नींबू की थैली लेने आया था, नींबू की थैली भी ले ली, गाड़ी को कर दिए पार्क, अब सुकून से जाते हैं इन लोगों के साथ। वो सामने ऊपर है भाई झील, उस तरफ जाते हैं, डैम है, डैम बना हुआ, बड़ा प्यारा व्यू है यार। आई वो अम्माद भाई से पूछते हैं भाई ये जो गाड़ी है ना, ये सामने गाड़ी हम लोगों ने खड़ी कर दी, अब अम्माद भाई से पूछते हैं भाई गाड़ी में, ये वाली गाड़ी में कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा टूर है? अम्माद भाई जबरदस्त रहा, रात से चला रहा हूँ ये गाड़ी की चाबी दो एक बार, मैं ये लो गाड़ी की चाबी, चाबी दो गाड़ी की तो है बेटा, बाबा मार देंगे अगर तुम ये नहीं लेके गए तो। तुम्हें मारेंगे मुझे थोड़ी, मैं क्यों, तुमने बोला था लेके आ रहा हूँ ताकि तमीज से, तो बैग लेकर आ जाओ, बंदे आए हैं ये लो बैग लेकर आ जाओ, बैग लेके आ रहा हूँ। बहुत स्मूथ ड्राइव है भाई इस गाड़ी की और वल्ला इतना मज़ा आया ना इसको चला के, रोड इसके हिसाब से बने हुए, सारे पहाड़ पहाड़ी एरिया ये, और इतना मज़ा आया यहाँ पर, माशाल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट टाइम जो है ना मैं पहाड़ों की तरफ आया हूँ गाड़ी में और इतने स्मूथ रोडों के ऊपर, तो माशाल्लाह बहुत मज़े के रोड थे और बहुत मज़ा आया। अभी जा रहे हैं ऊपर हत्ता डैम की तरफ, फुरका खान जाना है, वहाँ से फिर घर पर जाएंगे। फुरका खान यहाँ से थोड़ा सा दूर है तकरीबन, फुरका खान कितना दूर है यहाँ से मधु? यहाँ से शटल लेके जाएगी फुरका खान का बोल रहा हूँ मैं, कितना दूर होगा अंदाजन? फुरका खान यहाँ से आधे पौने घंटे का रास्ता होता है बस, फिर यहाँ से हम लोग जो ना डैम से होते हुए फिर फुरका खान जाएंगे वहाँ। ये गाड़ी आ गई है लेकिन उसामा मामा जो ना हमारे अलग ही सीन में, वो रहा वो उसामा जल्दी आओ, गाड़ी आ गई है यार, भागता हुआ आ रहा है, तो सुकून नहीं है, ये अपने कामों में मस्त होकर जो है ना आ रहा होता है। भाई तुम्हें एंड टाइम पे क्यों याद आता है सब कुछ? नहीं भाई, ये शटल भी आ गई हमारी, हम इसमें जाएंगे ऊपर तो डैम की तरफ। हमाद भाई अब आप बताएं कि यहाँ से फिर हम लोग कितनी देर का रास्ता है अपना? 2 मिनट का है पैदल का, भी 10 मिनट का रास्ता है गाड़ी में, शटल में तो 5 मिनट में, 2-4 मिनट में पहुँचेंगे। उसके बाद फिर जो आगे वहाँ जाना है फुरका खान, आज हम लोग कितनी देर की जर्नी? वो फिर वहाँ से 1 घंटे का रास्ता होगा अपना, यहाँ से बीच में से ही निकलेगा, यहाँ पे तो हम लोग अच्छा खासा रुकेंगे 2 टाइम, यहाँ देखो भी ऊपर जाने आने में टाइम लगेगा। तो जी यहाँ पे चलो, अभी हम लोग गाड़ी में शटल में बैठ चुके हैं और यहाँ से फिर हम लोग यहाँ पे तकरीबन जो है ना 2-2.5 घंटे बैठेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे फुरका खान की तरफ। अभी शायद फैसल भाई भी आएँ, उनका कुछ नहीं पता, लेकिन अगर वो आएंगे फिर उन लोगों के साथ फिर फुरका खान भी जाएंगे वहाँ। आज दोनों नई नई गाड़ियाँ निकलेंगी, अगर वो आए तो उनके पास मज़दा 6 है, वो मज़दा 6 में आएंगे और हम लोग लेके निकले हैं मित्सुबिशी ASX, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है भाई, इन पहाड़ों के लिए बहुत बेहतरीन गाड़ी है कसम से, प्यारा बना हुआ है सारा लुक भाई, वाह ज़बरदस्त। अच्छा ये रोड नीचे की तरफ जा रहा, पता नहीं कहाँ सामने डैम है, ये रहा डैम, इसकी ये बिल्कुल सेम
हुंजा वैली सेम ऐसी है बिल्कुल बिल्कुल हुंजा वैली वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के, जहाँ पे मैंने जेट्स की चलाई थी और सेम वैसे ही लग रहा है ये। लेकिन माशाल्लाह व्यू बहुत प्यारा है यार, बिल्कुल रेयर व्यूज़ होते हैं ये, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है माशाल्लाह। तो ये ब्रिज के ऊपर हैं अभी हम लोग, यहाँ से क्लियर हत्ता डैम दिख रहा है। व्यू है यार, कोई चेक करो माशाल्लाह, सारा व्यू है सारे पहाड़ों के बीच में, यही हुआ प्यारा व्यू है यार। अच्छा ये वाली बोट्स भी इसके अंदर हो भाई, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से फलांगो और जाओ। नहीं बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, यहाँ से क्रॉस नहीं करनी ये। नहीं कूद के क्या करना है, कूद के क्या करना है, दे रहेंगे ही तो फिर वो नीला पानी है सामने दिखा हो, पानी बहुत खूबसूरत है। बोट में जाएंगे, बोट के जाने का उधर से रास्ता है, फिर मौका नहीं मिलेगा जिंदा रहने का भी मौका नहीं मिलेगा भाई, एक वो रास्ता जा रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है यार, बहुत रेयर व्यूज़ हैं, बहुत सुकून वाली जगह। चलते हैं और चलते चलते ही रहते हैं। हमारा यही है कि संडे वाला दिन हमारा होता है ऐसा कि हम लोग घूमते हैं उसमें। आई वाह कितना खूबसूरत डॉगी आ रहा है यार आगे से माशाल्लाह, एंटरटेनमेंट वाला डॉगी आ रहा है, ये दिखाता हूँ। तो वहाँ से व्यू जो है कम आया था थंबनेल का, आगे मिडिल में से सही आएगा, ये सही से नहीं दिखेगा अभी, करीब देख रहेंगे ना, ये तो दिखा दो ये देखो भाई, हाँ इधर आ जाएंगे बेटा, ये देखो लोग माशाल्लाह। अच्छा हमारी गाड़ियाँ नीचे लगवा दी यार, ये गलत बात है, सामने ये पार्किंग की पार्किंग है, इन लोगों की गाड़ियाँ लगी हुई लाइन से, मेरी गाड़ी का वक्त आया तो इन लोगों ने पार्किंग बिल्कुल बंद कर दी, बोलना भाई आगे पार्किंग नहीं है। तो ये साला क्या है, वो आगे सामने पार्किंग है, ये पीछे पार्किंग है, सारी पार्किंग ही पार्किंग है यार, मैं तो यहाँ पे भी घुसे रहता था गाड़ी, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं आ सकती गाड़ी, इतनी कम जगह, ये भी वो भी पीछे भी। ओ भाई वो दोनों वहाँ पहुँच गए, आगे हम दोनों को अकेला छोड़ के, यहाँ आने से क्यों रोका, अजीब यार हम लोगों को यहाँ छोड़ दिया। और ये देखो पूरा पार्किंग खाली है यार, ये देखो वल्ला कैसे लोग हैं यार, सामने उन लोगों ने नीचे रोक दिया यार हम लोगों को, पहले बात है ये यहाँ पार्किंग होती थी, यहाँ पार्किंग होती थी, वो दिख रही है गाड़ी आगे, हाँ अब यहाँ कुछ बना रहे हैं कंस्ट्रक्शन करके, और ये इसी के डैम पे चल रहा है ना, यहाँ पहले पार्किंग होती थी, अब लग रहा है पानी का कुछ बना रहे हैं, यहाँ से पानी उतरेगा जाएगा, अच्छा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गर्मी हो रही है, सामने सूरज सर पर है, बहुत सुकून वाला वो हो रहा है, आप देख रहे होगे यार, मैंने एक सिंगल शर्ट पहनी हुई है, उसके ऊपर एक जैकेट पहनी हुई है नॉर्मल सी, ज़्यादा कोई ये भी कोई वो नहीं है, नॉर्मल है। तो मतलब ये जो है ना थोड़ा सा ठंडा वाला एरिया, बहुत सुकून वाली जगह है, और लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि इतनी खूबसूरती, इतने माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत, सुकून और अल्लाह की कुदरत तो ये सामने है। अच्छा जी यहाँ तक डैम का रास्ता है पूरा, ठीक है जी, और उसके पीछे डैम है, ये पूरा इन लोगों ने ऊपर थोड़ा सा स्लोप वगैरह बनाई हुई, ये पूरा वो है, ठीक है जी, स्लोप वगैरह बनी हुई है इसकी, जहाँ से पानी अगर छोड़ा तो पूरा यहाँ से जाएगा नीचे शुभ करके उस तरफ, तो बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। वो सामने हमारा अपना पूरा फुजैरा वाला एरिया, ठीक है जी। अच्छा मेरी गाड़ी यहाँ से इतनी दूर से दिख रही है, वो सामने खड़ी है मेरी गाड़ी, सिर्फ वहाँ से हम लोग यहाँ पर आए, ठीक है जी। वो वाली जो जगह है वो पार्किंग है, वो आप लोगों को शायद क्लियर नहीं दिख रही होगी, तो वहाँ हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उस तरफ, अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इन सालों ने हम लोगों को जगह भी नहीं दी यहाँ पे इतनी, हालांकि है जगह और अभी भी गाड़ियाँ आ रही हैं मुसलसल, लेकिन वो साला वहाँ से छोड़ा नहीं उसने हमें। अच्छा जी जो अभी आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है ना हद तक, वो सारा ये ऐसे बनाएंगी, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आगे ऐसे कटिंग करके, ये जो सामने वो पूरा बना हुआ है ना, ये पूरा ये ऐसा बना रहा है, ये देखो ये जो सामने बना हुआ है ना पूरा, जो नीचे जा रहा है पानी वानी और ये सारे घर वगैरह वाला, तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ये सेम ऐसा होगा आगे जाके, ये ऐसा कुछ बना रहे रिजॉर्ट टाइप, तो ये ऐसा रिजॉर्टिंग वगैरह बनने वाला है, ये देख लो भाई ऐसा बनने वाला है। ये भी हम लोग बोट्स वाली साइड पे जा रहे हैं, और फैसला ये हुआ है कि चार बंदों वाली जो साइकिलिंग वाली बोट है, साइकिलिंग वाली बोट चलाएंगे, और उसमें चलाएगा कौन कौन, एक ये और एक मैं। तो उसामा को मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा भाई पहले तुम ना कांप जाओगे, तुम्हारी टांगे पहले जवाब दे देंगे। गजब बेइज्जती है, खड़ा हो गया था 5 धर्म के।
निम को लेके खड़ा हुआ था इससे लोग जो ना लेने लग गया, मतलब लोग बोल रहे भाई 5 दरम ले लो निम को दे दो, सारा बैग में डाल कर लेकर आ गया। आ गई है हमारी साइट, अभी यहाँ से खोल होना है, दखल एंट्री एंट्री फॉर ओनली टिकट होल्डर्स, टिकट होल्डर्स बट मेरे पास तो है नहीं, एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ बिल्कुल खाली है, पूरा रबड़ का बना हुआ है। मलेशिया में मज़े गए जो भी, बस सही है। उसामा इसके अंदर जा रहा है, उसामा को ये वाली शिप करवा रहे हैं अब हम, अब उसामा इसी में जाएगा। ओए होए होए मछली मछली है भाई, सही वाह, ये 8 फीट से ऊपर है यहाँ पर। आयो आयो चलो भाई, अब लाइफ जैकेट पहनने का वक्त आ गया लगता है, तो हम जाने वाले। चलो भाई हमारी लाइफ जैकेट पहनने का वक्त आ गया, हम तीनों जा रहे हैं। बाबा का बेचारे जो ना उनको बाबा नहीं जा रहे जी, बाबा बैठ गए हैं अपनी जगह पर, हम लोग बस लाइफ जैकेट पहनने वाले हैं। ये आगे मेरी लाइफ जैकेट, इसको पहनते हैं। ये भी कबाब है यार, दो शर्ट्स कम थी कि यहाँ पे अभी किसी लाइफ जैकेट भी डाल ली यार, ये ज़रा बेल्ट लगाना पहले, ये तो बांध लो। चलो यार ठंडी ठंडी अभी हवाएं चल रही थी, तुम मेरे को और भी पहना रहे हो। पक्के प्रोफेशनल तुम मुझे वो लग रहे हो यहाँ पे काम करने वाले। तो जी जैकेट वगैरह पहन ली, मैं उठा हुआ था, चलते हैं। 4 लोगों की ये बोट है, लेकिन चौथा एक बच्चे को, बच्चे गया है, बाकी 3 जो है वो एडल्ट्स गए। तो अभी हम लोग 4 वाले में जा रहे हैं, और अच्छा इसमें एक और भी है, मतलब क्या कहते हैं, अब हम लोगों को साइकिलिंग करनी है, मुझे और उसामा को, ठीक है। अमाद भाई पीछे सुकून से बैठेंगे, हम लोगों को साइकिलिंग करनी है। अच्छा ये 2 वाली भी, ये अनलिमिटेड टाइम वाली है, ये सिंगल वाली है, ये भी अनलिमिटेड टाइम वाली है, डबल वाली भी अनलिमिटेड टाइम वाली है, जो 3 वाली 4 वाली है वो है 1 घंटे की, और उसके ऊपर जितनी भी हैं ऐसे ऐसे आधे घंटे की, 45 मिनट्स की, 25 मिनट की, ऐसे टाइम थे सबके। व्यू बहुत प्यारा है यार, व्यू बड़ा क्लासिक है। मैंने कहा यार हम 3 बंदे हैं, चौथी जगह पर इस बैग को रख देंगे, बस कम पैसे तो पूरा वसूल कर देना बाबा को। तो बेचारे बाबा को उन्होंने मना कर दिया कि भाई 4 नहीं जा सकते, तो उससे बाबा ने कहा कि मैं नहीं जा रहा, मैंने उनको बहुत बोला कि भाई आप चले जाएं, तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें सबसे ज़्यादा शौक हो तुम चले जाओ। आप पीछे बैठे जाए, आकर बैठ गए और अभी उसामा भाई यार ये पीछे क्यों नहीं जा रही, अभी जाएगी 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 ऐसा जाएगी। नहीं लेकिन इजी है, इजी है, अब घुमा लो ना। हाँ ये कैसी आवाज आ रही है साहब भाई, ये कैसी कैसी आवाज है अंदर जा रही है। अरे उसकी चेन पहले बीच में रखो, बीच में रखो, बीच में तो अब करूंगा ना, बीच में रखना वरना कल्पी हो जाएगी। अच्छा हमको सिखा रही है गलती हो जाएगी, इनको गलती होने का डर है, कोई मसला नहीं है, अभी आपकी भी बारी आएगी, अभी उसामा को चेंज करके आपको भी आगे लाएंगे। मेरी तो थाइस की एक्सरसाइज होना शुरू हो गई भाई, अभी 10 मिनट हुए हैं मैं साइकिलिंग करते हुए, उसामा भाई की हालत ख़राब हो गई है, उसामा भाई के पैर दर्द हो गए अभी अभी कह रहा था ये इंसान, कह रहा था ना माद भाई अभी मैं थक गया हूँ, क्या कह रहा था, थक गया कसम मैंने, एक घंटे तक मैं जैसे घोड़े मार मार के यार ये हमें बग्गी समझ रहे हो,
मैंने जो बड़ी ऊपर जैकेट पहनी हुई थी यहाँ पे बैठ के आपकी तस्वीर की जैसे लगने लगा तो मैं जो ना मैंने वो उतार के रख दी पीछे। अब बस एक सिंगल शर्ट है इसमें सुकून है, लोग बिल्कुल सेंटर में आ गए, सही है, बहुत दूर आ गए, वहाँ से एंड कर दिया, ठीक है जी, पीछे वहाँ से छूट कर आए और अभी भी हम लोग बोर्ड चला रहे हैं। यहाँ दो मिनट के लिए रुके थे थोड़ा सा फोटोशूट के लिए, वीडियोज़ वगैरह के लिए, इंस्टाग्राम पर आप लोगों को वीडियोज़ मिल जाएंगे, मेरी पिक्चर्स मिल जाएंगी। यार ये जो है ना माद भाई, इन्होंने ख्वार करवा दिया, बोल रहे हैं आगे रास्ता है, आगे रास्ता है, हम लोग ख्वार हो गए हैं, चलाया जा रहा है हम लोग, इनको कोई हमारा एहसास ही नहीं है यार, बोल रहे हैं आगे रास्ता है, आगे तो बिल्कुल ख़त्म था सब बंद है यार, अभी जा रहे हैं हम लोग वापस, अभी तो पूरा करना है। तो भाई आप हम लोग को ख्वार करो, घंटा अब यहाँ से जा सकते हैं ना? नहीं यहाँ से भी नहीं जा सकते, बंद किया हुआ है इन लोगों ने, ये कोई रास्ता थोड़ी है। 15 मिनट हम सीधे तुम लोग वापसी पहुँचा दोगे। चलो भाई बस भाई सुन लिया भाई, ये जो ना इसका जरा थोड़ा सा मामला खराब हो गया, इसको वॉशरूम जाना है अर्जेंट में, तो जैसे ये अब नहीं चला रहा, मैं फिलहाल अकेले चला रहा हूँ, और ये वॉशरूम के नाम पे जो ना बैठा हुआ है ऐसे ही बहाने बना रहा है, लेकिन पैर दर्द हो गया इसके सही मायनों में। अब आ गए अम्माद भाई मेरे साथ, दोनों व्लॉगर्स एक साथ बोट चला रहे हैं भाई, ये सामा का अलग ही सीन चल रहा है। वो देखो भाई पीछे वो डॉगी भी लेकर आ गया भाई, वो एंटरटेनमेंट वाला डॉगी नहीं है लैब्राडोर, वो भी लेकर आ गया भाई, वो बैठा हुआ है आराम से, देखो देख रहा है हमें, ये देखे डॉगी, हाँ देख रहा डॉगी भी जो है बोटिंग कर रहा है, करो करो कैरी ऑन। सही पुलिस चल रहे हैं भाई, कहाँ डाल रहे हो, टाइटैनिक का जहाज डूब जाएगा भाई, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने की बातें कर रहा है अमाद भाई, ये बोला जब ही हम बोला ना, काले कसम मैंने ऐसा बोला, मैं अभी सुना कोई तो बोला तो हम फिर बोला ना, ये बोला तू, बोला तू, बोला जब ही मैं बोला, दोनों बोला तो हम सुना फिर हम बोला, मैंने नहीं बोला कि वो बोला, मैंने बोला कि वो बोला, ऐसे फाइन क्या पड़ेंगे, ये तुम कौन से साइन कर रहे हो, कुछ भी बोले ऐसा काम नहीं करने, तो मैंने बोला ही नहीं तो तुम बोल, भाई तू बोला, तू बोला वही कुछ भी बोले ऐसा काम नहीं करने, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं जानता हूँ मैं इनको भाई, हम लोग 1:50 पे निकले थे यहाँ से, ठीक है, और ये अभी हम लोग पहुँच गए सामने, किनारा आ गया और घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है सीधा रखो सीधा टायर रखो, ठीक है भाई ये ना सीधी कर दी, बाबा नहीं नज़र आ रहे, बाबा था चारे, मेरे बाबा को भी बहुत दिल कर रहा था आने का, लेकिन उसने अलाउ ही नहीं किया, उसने बोला 3 घंटों से बोट है, 2-3 घंटे बस हम लोग आ गए। अबे यार 1 मिनट किया, इसको पीछे करो, धक्का मारो पीछे करो अम्माद भाई, ब्रेक लिया ना उसने, चलो भाई ये आ गया किनारे पे, मैं पार्क कर रहा हूँ, छोड़ दो, बहुत पार्किंग है, फुल टाइट पार्किंग करेंगे, आई वाह आई वाह, वो कह रहे हैं एक ये अपना पर ले लो भाई, आ जाए सुकून, वहाँ मज़ा आया भाई, वाह मज़ा आ गया, फुल थाइस की एक्सरसाइज हो गई है यार, मैं ज़रा चेक कर लूँ मैं कुछ भूल तो नहीं गया, नहीं कुछ भी नहीं भूला, मेरे पास मेरा अपल है, सामा के पास बैग आ गया, डॉगी भी आ गया भाई, डॉगी भी आ गए, ये भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, अब यहाँ पे लाइव जैकेट सुतानी है, हालत बुरी हो गई भाई, जैकेट पहन ली है, ठीक है जी, शर्ट जो है पूरी शर्ट गीली हो गई भाई, और अभी ऊपर मैंने जैकेट पहनी है, वरना इसको हाथ में पकड़ के जो ना घूमना पड़ता, खैर हवा तो चल रही है, सिर्फ अंदर जो उसको चला रहे थे तो जो ना बस हो रहा था, ये गीला हो गया पूरा, मैं ट्राउज़र भी ऐसा होता है गीला गीला, जी बाबा मिल गया, बाबा के पास आ गया, मैंने शर्ट उतार दी, ये जैकेट उतार दी, बहुत गर्मी लग रही है, पूरी शर्ट मेरी भीग चुकी है भाई, गाड़ी के पास आ गया, बस अब यहाँ से वॉशरूम वगैरह से निकलते हैं,
ये आ गई मेरी गाड़ी खड़ी हुई, बस मेरी गाड़ी के पास ही रुक गई। खड़ी हुई मेरी गड्डी लैम्बोर्गिनी, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, इसके ऊपर सालिक टैग लगा हुआ, नहीं यही है अपनी गाड़ी ना, यही है अपनी गाड़ी, यही है, हाँ यही खड़ी हुई अपनी गाड़ी। भाई दिखाओ तीनों चीज़ें दो, कीस फर्स्ट, जैकेट रख दूँ अपनी, गाड़ी हो गई बंद, चलते हैं वहाँ से वॉशरूम वगैरह से फ्री होके उसमें निकलते हैं फुटका खान की तरफ। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू हो रहा है, ऐ वाह। इसी वॉशरूम वगैरह से फ्री हो गए, ऊपर आ गए और अभी ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यार गाड़ी खोल दो, गाड़ी खोल दो, ये लो भाई गाड़ी खुल गई, बैठो गाड़ी में, खुल गई गाड़ी, गाड़ी खोल दी है मैंने, गाड़ी खुल गई है, बैठना नहीं था पानी लेना था, चले चले यलो गाड़ी है, चलो भाई बिस्मिल्लाह।